हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेज निर्मला। ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये छील रही हूँ मैं लहसुन, और आज थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है, तो बारिश में पराठे या पकौड़ी मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो ये छील रही हूँ मैं आलू, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आलू छील लिए थे, तो ये मैं मैसर की सहायता से इनको मैश कर लेती हूँ। तो ये मेरे आलू मैश हो गए हैं, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो ये मैंने इसमें निकाल लिए हैं। तो निकालने के बाद ये डाल दिया है मैंने लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स डालने के बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक आप स्वाद अनुसार लें, और मिर्च भी आप अपने स्वाद अनुसार लें। ये है धनिया, और ये है गरम मसाला पाउडर, और ये है मेरा मसाला। ये मैंने जीरा, काली मिर्च, साबुत धनिया और हींग को मैंने मिला रखा है, ये भुना हुआ है। तो इनको डालकर हम इसमें पिट्ठी में इसको मिला देंगे। तो ये मैं मिला रही हूँ। ये आटा लेकर मैंने इसको लोई को मैंने कटोरी टाइप का बना लिया है, और इसमें भर देंगे इसमें फिलिंग। भरने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इसको तवे पे डाल देंगे। तो अब ये मैंने तवे पे डाल दिया है, और ये मैं घी लगा रही हूँ। तो आप घी भी लगा सकते हैं, रिफाइंड भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, वो अपने इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। देखो कितना अच्छा मेरा पराठा बना है, देखो फूल गया है। तो ये मेरा पराठा बन गया है। अब ये आएगा प्लेट में पराठा। अब ये आ गया प्लेट में, फिर जाएगा पेट में, और ये मेरा बनकर तैयार। देसी घी के साथ खाइए, आप भी खाइए। ये हैं हमारे रोज के काम। तो मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज, क्यों 2-3 दिन हो गए थे बेडशीट को, और फिर ऊपर से पड़ रही है बारिश। बारिश में हो जाती हैं बेडशीट बिल्कुल सीली सी, मतलब गीली सी, सीली सी, मन नहीं करता बिल्कुल भी उस पर बैठने का। तो ये मैं चेंज कर लेती हूँ बेड। I'm leaving you, I don't know.
ये लगा रखी है मैंने वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में से जो पानी आ जाता है उसको कर रही हूँ मैं साफ। तो इसको मैं बाथरूम की तरफ ही ले जाती हूँ, क्योंकि छत पर फैलाऊंगी तो बहुत लंबा पड़ जाएगा साफ करने के लिए। निकाल लिए हैं और इनको मैं एक एक कर इनको धुल लेती हूँ। धुलने के बाद इनको फिर मैं वॉशिंग मशीन में से अब मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि साथ ही साथ मैं सुखाती भी जा रही हूँ। ये सुखा दिए हैं मैंने सारे कपड़े। तो यहाँ नहला रही हूँ मैं कैंडी को, तो ये मेरी कैंडी नहा रही है यहाँ। तो अब मेरी कैंडी नहा चुकी है, तो इसको ले जा रही हूँ मैं अब धूप में। इसको बांध देती हूँ उसकी जंजीर से, तो ये यहाँ थोड़ी धूप में सूख जाएगी। सूखने के बाद इसको मैं अब इसके बाल काट देती हूँ, क्योंकि नहीं काटते तो इसके बाल फिर बहुत टूटते हैं। इसके मैं बाल काट देती हूँ। जब जानवर को पालते हैं तो बच्चे की तरह ही उसकी केयर करनी पड़ती है, तो मैंने इसको नहलाया है। नहलाने के बाद अब मैं इसके लगा रही हूँ बिंदी, तो मेरी कैंडिया बहुत सुंदर लगेगी बिंदी लगाकर। अब यहाँ दिखा रही है मेरी कैंडी बिंदी, तो यहाँ देखो इसने दिखाई बिंदी, मैं अब इतनी सुंदर लग रही हूँ। ये मेरे कपड़े सूख गए हैं, तो फ्रेंड्स में थोड़े से ब्लॉग अच्छे लगते हैं फिर लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन। बाय बाय।